कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है, वहीं लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। चंबा जिला में बाहर फंसे लोग जो पैदल चलकर चंबा की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए बॉर्डर पर प्रशासन ने क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था चंबा जिला के प्रवेश द्वार तुन्नुहट्टी, लाहड़ू और हटली में की गई है। प्रशासन का कहना है कि अगर कोई बॉर्डर तक पहुँच जाता है तो उसे बॉर्डर पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा। चंबा में पत्रकार वार्ता के दौरान उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने कहा कि जिला चंबा में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जिला में बाहर से किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति चंबा के बॉर्डर तक पहुँच जाता है तो उसे वहाँ 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। शनिवार को भी यहां 50 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया और भविष्य में भी बॉर्डर पर यह व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त ने इस दौरान बताया कि कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने चंबा जिला के लिए 33 लाख रुपए की राशि सांसद निधि से दी है, जिसके तहत 3 वेंटिलेटर जिला के लिए खरीदे जाएंगे जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। जो सारे लोग इधर से उधर पलायन करने के उसमें है, एक थोड़ा सा एक जो इनसिक्योरिटी, एक थोड़ा सा एक जो अधीरता है, उसमें कई तरह की दिक्कतें जो आ रही हैं लोगों को। सबसे पहली बात तो ये है, उसके बारे में हमारे सबसे पहले तो उसके ऊपर बड़ी गहन चर्चा हुई, क्योंकि हर हिमाचलवासी का जो एक हित है या उसका वेलफेयर है, या जैसे हम चंबा की बात करें, वो हर ज़िले को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उनका हित देखना जो है सबसे पैरामाउंट है। बट इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल हित के साथ साथ इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ही आ रही है कि आपका जो एक सोसाइटल हित है, जो एक कम्युनिटी हित है, वो भी सबका देखना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी एक अगर व्यक्ति अगर बीच में आ जाए और वो सारी की सारी जितनी अभी तक हम सारा ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो इतना हम कष्ट सह रहे हैं, घरों में बैठ रहे हैं, अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति अंदर आ गया और उसके कॉन्टैक्ट हो गया, तो सारी के सारी हमारी जितनी एफर्ट्स हैं सारी धराशाही रह जाएंगी। तो ये दो चीज़ें, ये दो धारी तलवार है, इसके बीच में कैसे चलना है, अब वो निर्धारित करना जो है हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। इसके ऊपर जो एक बड़ा क्लियर सा मैसेज आया कि अभी जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन जो है ये एक लॉकडाउन है, कि ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। लॉकडाउन इज़ अ लॉकडाउन, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट कि आप घर में बैठे हैं और ये करें। रिक्वेस्ट है, निवेदन कर रहे हैं, बट जो इसकी वायलेशन कर रहे हैं उनको बहुत सीरियसली इसमें लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ये सारी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं। हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जहाँ पर हैं वो वहीं पर बने रहें। ठीक है, समस्याएँ आ रही हैं, उसके बारे में बताया गया है, दिल्ली प्रशासन से देखिए, वहाँ हिमाचल भवन जो दिल्ली में है, हिमाचल भवन जो आपका चंडीगढ़ में है, कल हमारे माननीय CM साहब ने गवर्नर ऑफ चंडीगढ़ से बात की, जो वहाँ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो सारे लेबरर्स हैं नालागढ़ एरिया में, बद्दी एरिया में, उनके सारे खाने पीने की रहने की व्यवस्था हो रही है, पर उसके बावजूद जो ये पलायन की टेंडेंसी बन रही है, ये बेसिकली जनहित में नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आज का एक आपसे आपके माध्यम से जो एक मैसेज देने को है, वो ये है कि जो व्यक्ति जहाँ है वो यथासंभव वहीं पर रहे। अभी हम एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर में हैं, Stage 2 और Stage 3। मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी सबको बताना चाहा था कि Stage 2 जो है अभी, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है, और Stage 3 जो हमारी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, हम उसके अभी ग्रे एरिया में खड़े हैं। अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे चीज़ जाती है तो फिर हमारे हाथ से चीज़ जो बाहर हो जाएगी। हमें कई बार लग रहा है कि वो टेस्ट नेगेटिव आए और ये हुआ, अब सारी स्थिति सामान्य है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अभी हम Stage 2 के उससे नहीं आए, हमारा ग्राफ बढ़ रहा है डेली और ये बढ़ता रहता है, और उसके बाद फिर ये पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद स्टीप हो जाता है। तो इसके लिए मेरी सबसे आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ को अभी भी लाइटली ना लें, और जो आपके रिश्तेदार हैं उनको वहाँ पर रखें। इसके लिए हमने, अब बात आ रही है इसके ऊपर कि जो आपके रिश्तेदार हैं बाहर हैं कहीं हैं, उनके लिए क्या प्रबंध है, उनके लिए आप हमारी जो हेल्पलाइन है 8988-326-950, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8988-326-950। ये हमने कल उसमें, वैसे फेसबुक जो हमारा पेज है DC चंबा का, उसमें हम रेगुलरली अपडेट्स डाल रहे हैं। हमें बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस आए, हमने सारे SDMs के साथ उसमें कांटेक्ट किया है, कई लोगों की समस्याएं जो रिजॉल्व हो गई हैं, आज कईयों की रिजॉल्व हो रही हैं, लगातार इसमें मैसेज आ रहे हैं
और इनफैक्ट सिर्फ स्टेट की बात नहीं कर रहे, जो बाहर हैं, उत्तराखंड में है, जो आपके दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हर जगह की, हरियाणा में है, जलंधर में है, होशियारपुर में, अमृतसर में, सबके साथ भी हमारा जो टाई अप है वो हो रहा है और यथासंभव जहाँ जो समस्या है वो रिजॉल्व की जा रही है। बट इसमें सवाल ये है कि वहाँ से एक तो बिना परमिशन कोई ना चले, और अगर किसी तरह बॉर्डर पे आ जाए, अब उसकी बात आ रही है कि अगर कोई पहुँच जा रहा है तो उसके बारे में क्या करना है। उसके लिए आज जो मैकेनिज़म है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो हम बना रहे हैं वो है हमारा बफर क्वारंटीन फैसिलिटी का। अगर कोई व्यक्ति विद परमिशन, विदाउट परमिशन अगर आ रहा है, उसको भी हम जो है नेसेसरी तौर पर बफर क्वारंटीन में रखेंगे। और ये बफर क्वारंटीन हमारे जितने बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। कल 50 लोग इसमें रखे थे, आज वो फैसिलिटी जो है बाकी जगह पे हम कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।